देखो पहले समझ लेते हैं। तरंग की बात होगी, तरंग का मतलब होता है विक्षोभ हलचल। मन कहोगे तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न हुआ विक्षोभ होता है जो अपना रूप बदले बिना एक निश्चित वेग से आगे बढ़ता रहता है। तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न हुआ विक्षोभ होता है जो अपना रूप बदले बिना एक निश्चित वेग से आगे बढ़ता रहता है। जैसे अगर पत्थर ले लें और पानी में पत्थर मारे, अरे पानी में पत्थर क्यों मारते हैं, उसको भी कोई पीता है, आ इतने उदास आप क्यों रहते हैं, आपको भी देखकर कोई जीता है, सुने भी होंगे शायरी। तो जब तालाब में हम लोग पत्थर मारते हैं तो देखिएगा कंपन करते हुए जल जाता है, इस तरीके से हलचल मारता हुआ जाता है। देखिए मारे हैं तो इसमें जो तरंगे उत्पन्न होगी अनुप्रस्थ तरंगे होती है, या स्प्रिंग है, स्प्रिंग को तान को छोड़ दो, हुमच कहेंगे गति करता, खींच के छोड़ देना क्या करता आपका। तो ये भी आपका एक प्रकार का हारमोनिया के सुने हो गए, तो हारमोनिया की जो आवाज़ होती है, चाहे शायरन होता है आपको बहुत पसंद होगा, ऐसे ऐसे करके जब बजाया जाता है, तो ये सब आपके जो होते हैं अनुप्रस्थ माने तरंग के भाग होते हैं। तरंग मुख्य रूप से कितने प्रकार के, दो प्रकार के, दोनों का नाम आपके सामने मौजूद है। यांत्रिक तरंग अभी आप देखेंगे कि जिंदगी में यांत्रिक तरंग की क्या भूमिका होती है, और एक आप देखेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग, इसकी क्या भूमिका होती है, शायद आपको मालूम भी होगा यांत्रिक तरंग के बारे में क्या, जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और विद्युत चुम्बकीय तरंग का मतलब होता है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और ये अनुप्रस्थ तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग माने यांत्रिक तरंग को दो भागों में हम लोग बांट देते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग को सात भागों में बांट देते हैं, जिसके नाम है, जिसका ठीक है गाय पद अमर, गामा किरण, एक्स किरण, परावैगनी किरण, दृश्य प्रकाश, और रक्त किरण, माइक्रो तरंग और रेडियो तरंग। अब इसके बारे में आप लिख लीजिए, तो याद करिए। तो पढ़ते हम लोग, आओ तरंग के दो भाग, जिसे पहला तरंग जा रहा है पढ़ने के लिए, इसका नाम है यांत्रिक तरंग। यांत्रिक मैं बोलता हूँ तो यांत्रिक, पंखा चलता है जो तरंग उत्पन्न होता है यांत्रिक, पानी में पत्थर मारते हैं यांत्रिक, ढोलक बजाते हैं यांत्रिक, घंटी बजाते हैं यांत्रिक, जितने आप देखते हैं आप कितना यांत्रिक, आपसे कहें मशीन चलाते हैं यांत्रिक, सिलाई करते हैं यांत्रिक, साइकिल लेकर गिर जाते हैं आवाज निकलता है यांत्रिक, पावडिल मारते हैं यांत्रिक, ऐसा होता है ना सब। तो आज यांत्रिक तरंग की बात हो सकती है, तो वह तरंग जिसे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है तो उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं। यह निर्वात में नहीं चल सकता है, निर्वात में नहीं चल सकता, इसके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी। अंतरिक्ष में नहीं चलेगा, जहाँ पर वायु नहीं है, धूल के कण नहीं है, वहाँ पर भी ये तरंगे नहीं चल सकती है। अब आइए उदाहरण में, ध्वनि मेरी आवाज़ आपके कानों तक गूंजती है, उदित नारायण की आवाज़ के जैसा, तो समझिए कि वायु के द्वारा ही जा रही है, तभी आपके कानों में घुसता हुआ नजर आ रहा है। चलिए जल में उत्पन्न कोई तरंग अगर उठा के जल में आपको फेंक दिया जाए तो ऐसा महसूस होगा कि जो तरंगे उत्पन्न होंगी वह भी आपके एक प्रकार के यांत्रिक तरंग है। चलिए यांत्रिक तरंग जस्ट आपने देखा दो प्रकार का होता है, एक अनुप्रस्थ तरंग और एक अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ आपसे कोई पूछा तो जब कोई तरंग किसी माध्यम में चलता है तथा माध्यम के कण तरंग के चलने के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं तो इसी को हम लोग कौन सा तरंग कह देंगे, अनुप्रस्थ तरंग। और देखो आप कुछ और बातें बता देते हैं कि यह तरंग श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ता, पड़े भी होंगे अनुप्रस्थ तरंग जो होता है श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ता। श्रृंग माने होता है, आपको याद होगा श्रृंग माने होता है, चलिए तो श्रृंग ऊपर होता है, गर्त माने होता है तो नीचे आपके पास गढ़ा आगे बढ़ता है। ये तरंग ठोस से अर्थात द्रव में, द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती है और गैसों में उत्पन्न नहीं की जा सकती है। माने ठोस में उत्पन्न हो सकती है, द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न हो सकती है, लेकिन गैस में ये तरंगें उत्पन्न नहीं हो सकती है। गैस में जो तरंगें उत्पन्न होगी अंदर तरंगें होती है। बोलो इतना समझ में आया, बोलो बता देंगे सब लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला हेडिंग बनाइए। हाँ तो देखो जब भी अनुदैर्ध्य तरंग कहेगा वह तरंग जो किसी माध्यम में चलता है तो माध्यम में कण तरंग के चलने के समांतर दिशा में कंपन करते हैं, तो यह तरंग
तो उसे मन अंतर तरंग कहते हैं। ये तरंग संपीड़न और विलयन के रूप में क्या होता है आगे बढ़ता। देखो सब कण समांतर हैं, हई खुद के ही जा गया समांतर, ये भी कण यहाँ से यहाँ आ गया समांतर, ये भी यहाँ से यहाँ आ गया समांतर, ये भी समांतर। चाहे स्प्रिंग के देखो स्प्रिंग, चाहे जुड़ा देखो जुड़ा, जो तुम्हें लगाते हो तो तान देते होगे खूब, तो तना जाता होगा, तो विरलन अवस्था है। अच्छा में लगा लेते होगे ऐसे, चाहे ऐसे जो भी होता है, मर्जी भी लगाते हो, रबड़ हाँ रबड़ भी हो जाएगा, तो नहीं पूरते हैं सब, कभी ऐसे दो छोटी पूरी खाना तुम लगता, तो समझे वही होता है। जैसे स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, इसको तान दो ये वाला इतनी दूर दूर, फिर एकदम चिपक करके इतनी दूर दूर, तो बताओ जो चिपक करके उसको क्या कहते हैं, संपीडन है, संपीडन है, हई बिरलन है, संपीडन है, हई बिरलन है, जहाँ सट सट के संपीडन तो संपीडन हई बिरलन संपीडन हई बिरलन। आप लोग तो बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, कोई पूछ देता है कि संपीडन और संपीडन दो क्रमागत कहिएगा, क्रमागत मतलब माने क्रम का मतलब है कि अगर ये संपीडन में तो ठीक है करवा दावे के चाहिए, इना कि हेजा संपीडन उठा के होने चल देंगे क्रम क्रमागत इसे कहते हैं। तो संपीडन और संपीडन के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, आप विरलन और विरलन के बीच की दूरी को भी तरंग दैर्ध्य कहते हैं, वही में श्रृंग और श्रृंग के बीच में याद करो अनुप्रस्थ में। आए आप जा रहे हैं ना अभी पढ़ने के लिए जा रहे हैं, माने सिंपल में अगर भुला जाते हो तो ये भी बता सकते हो संपीडन संपीडन के बीच में, ठीक है तेने बता देते जी तरंग आओ, अभी याद हो गया ना, तो समझते हैं तरंग दैर्ध्य की बात करेगा तो आप क्या कहेंगे कि माध्यम के कण को एक कंपन पूरा करते समय तरंग जितना दूरी तय करता है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक मीटर होता है, माने एम के समय तो मीटर होता है। कुछ भाव समझें कि माध्यम के कण को एक कंपन पूरा करते समय जितना तरंग दूरी तय करेगा उसको तरंग दैर्ध्य कहते हैं। माध्यम के कण को मान लो कि माध्यम के कण यहाँ पर है, माध्यम के कण यहाँ पर है, इसको गति करते हुए यहाँ पर आना है, अभी जितना दूरी तय करेगा उसी को, माने ये माध्यम के कण के एक कंपन पूरा करते समय ये जो तरंग दिख रहे हैं जितना दूरी तय करेगा, जितना दूरी चलेगा इसी को हम लोग तरंग दैर्ध्य कहते हैं। माने मान लो कि आगे बढ़ेगा तो सरकेगा नहीं तरंग, तो माध्यम का कण यहाँ है, यहाँ से कंपन करते हुए यहाँ पर आया, तो एक कंपन पूरा करते समय तरंग जितना दूरी तय करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं तरंग दैर्ध्य। दूरी का मतलब तरंग दैर्ध्य, दूरी का मतलब तरंग दैर्ध्य, इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है मीटर होता है, बुझाई लो। अब लिखो तरंग वेग, हाँ देखो तरंग वेग जेगा वेग आप पढ़ेंगे, वेग बराबर क्या होता है दूरी बटा या विस्थापन बटा समय, तो तरंग के साथ मान तनी एड हो गया, तो कोई तरंग एक सेकेंड में जितना दूरी तय करता है उसे तरंग वेग कहते हैं, इसे भी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है और यह एक सदिश राशि होती है। याद हुआ, कोई तरंग एक सेकेंड में जितना दूरी तय करता है उसी को हम लोग कहते हैं तरंग वेग, इसे भी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड। आवर्तकाल के देखो, किसी तरंग को एक चक्र पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं, इसे टी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक सेकेंड होता है, आवर्तकाल बराबर होता है आपके पास समय बटा कंपनों की संख्या, या आवर्त बराबर एक बटा आवृत्ति होता है। अच्छा देखो एक चक्र आखिर होता क्या है, ये तो जानना बड़ी अनिवार्य है ना, तरंग की बात होगी तो देखो यहाँ से तरंग चला मारा हुचुक गया घुचुक यहाँ आया, इसको एक चक्र कहेंगे। देख लो चला यहाँ से यहाँ, यहाँ कोण पाई बनेगा तो यहाँ 2π/3 बनेगा, मैं जैसे कोण बनता वैसे दिखाते हैं, समझे हाँ। अच्छा दिया गया चार भागों में बटा, एक ये भाग एक ये भाग, ठीक है। अब ये तरंग की अधिकतम मान होगी यहाँ पर सबसे बड़ा, अगर बस फिर घट रहा है धीरे धीरे बढ़ रहा है, सबसे बड़ा यहाँ पर फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है, बस समझे। तो आवर्तकाल बराबर एक बटा समय बटा कंपनी की संख्या, आवर्तकाल बराबर एक बटा आवृत्ति, तो कुछ सवाल हमने लगा ले ईश्वर निमिरकल जब आया इस सूत्र तो लिखो चलो ना, सच में स्टिक कल का तरंग चाल
जिसके बीच से प्रदर्शित करते हैं तरंग दैर्ध्य लेमडा से, और आवृत्ति में समान भी भरा होता है अनुगुण लेमडा। याद कर लें बहुत फेमस सूत्र है, तो याद हुई कल ही रात में याद हो गई। तभी तरंग चाल यन आवृत्ति लेमडा तरंग दर्द ऐसा लिखा गया है। आवृत्ति किसे कहते हैं? कोई तरंग एक सेकेंड में जितना कंपन करता है उत्तो उसे आवृत्ति कहते हैं। इसे यप या यन से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक घटस होता है। आवृत्ति बराबर एक बटा आवर्त काल होता है। आवृत्ति बराबर कंपनों की संख्या बटा का होता है समय होता है। कंपनों की संख्या बटा का होता है समय होता है, बता देंगे नोट कर लीजिए। अवतार है सबके पास